नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और यूपी की राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर उतरकर सीधे मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे और फिर अपने घर अथवा गंतव्य जाएं। जी हां, मंगलवार से यह सुविधा लोगों को मिलने वाली है। विश्वसनीय मानक पर तैयार आलमबाग बस अड्डे का उद्घाटन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह के और भी बस अड्डे बनवाए जाएंगे। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से आलमबाग बस अड्डे से नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। 3P मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कई खूबियों वाले आलमबाग बस अड्डे पर 50 बसों के लिए प्लेटफॉर्म है तो 50 बसों के लिए बेसमेंट पार्किंग, यानी बस अड्डे के बाहर सड़क किनारे बसें नहीं दिखेंगी। यात्री सुविधाओं से लैस आलमबाग बस अड्डे पर वातानुकूलन तथा तापमान नियंत्रक यंत्र भी लगाए गए हैं, जिससे बस अड्डे पर यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस अड्डे पर यात्रियों को बसों के आवागमन की जानकारी के लिए प्लाज्मा स्क्रीन लगाई गई है, जबकि बस अड्डे पर प्रवेश करने वाले मुसाफिरों की जांच, सामानों की जांच के लिए स्कैनर लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग। इस तरह के बस दूसरे शहरों में भी बनवाए जाएंगे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। आपको बता दें कि बसें प्रतिदिन 12,143 है, प्रतिदिन संचालन 34 लाख किलोमीटर है रोडवेज का सफर, यात्री प्रति महीने करीब 5 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में रोडवेज की यह आलमबाग से शुरू हुई योजना अन्य जनपदों तक जाए, यही सरकार की सोच है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।